बायो की नंबर चार ट्रिक है, माइकोप्लाज्मा एक जो सूक्ष्म जीव है वो पादपों में मुख्यतः कौन कौन से रोग करता है। माइकोप्लाज्मा से होने वाले पादप रोग के आपको अगर एग्जाम्पल याद रखने हैं तो ट्रिक आपका सहयोग करेगी। ट्रिक का क्या नाम है, माइक्रो आम बेग में पकते हैं, छोटे आम है बेग में पकते हैं। माइक्रो का मतलब यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या एम ले सकते हो माइकोप्लाज्मा, इस एम का मतलब हो गया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आसे मतलब रखना आलू, पहले जो है उनके नाम लिख लेते हैं फिर रोग के नाम लिखेंगे, ठीक है। मैं से हो गया मक्का, बे से हो गया बैंगन, गैसे हो गया गन्ना, पैसे हो गया पपीता, और कैसे हो गया कपास, ठीक है। ये तो फसल हो गई, अब इनके रोग कौन कौन से देखो, आलू का कुर्चिसम रोग, आलू का कुर्चिसम रोग, ठीक है। मक्का का बोना रोग, बैंगन का लघुपर्णी, गन्ना का धारी रोग, पपीते का गुच्छित रोग, और कपास का हरिति मागम रोग। देखो माइक्रो आम बेग में पकते हैं, ट्रिक का नाम हो गया माइक्रो में एम का मतलब माइकोप्लाज्मा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आलू का कुर्चिसम रोग, मक्का का बोना, देखो माइक्रो खुद है तो छोटा है तो इसका मतलब खुद भी बोना ही करेगा अक्सर, तो मक्का को क्या कर दिया बोना, बैंगन को कर दिया लघु, मक्का को बोना और बैंगन को लघु कर दिया, ठीक है। गन्ने का धारी, तो गन्ना है वैसे ही बड़ा जो होता है उसके अंदर क्या होती है बहुत सारी धारियां बढ़ जाती हैं, तो वैसे ही होती है इसमें धारियां होती हैं अलग अलग जो उसमें से बड़े होते हैं चेंबर से, जैसे गन्ने, गन्ने का धारी रोग हो गया। पपीते का गुच्छित रोग, पपीता वैसे गुच्छे में लगता है तो गुच्छे में लगता है तो पपीते का गुच्छित रोग, और कपास सफेद होता है लेकिन हरिति मागम, सफेद है लेकिन हरिति मागम मतलब इसमें पर्ण हरित की कमी आ गई, तो कपास का हरिति मागम रोग माइक्रो आम बेग में पकते हैं। माइक्रो का मतलब माइकोप्लाज्मा, आ का मतलब आलू का रोग, कुर्चिसम, मै का मतलब मक्के का, बे का मतलब बैंगन का लघुपर्णी, गे का मतलब गन्ने का धारी रोग, पे का मतलब पपीते का गुच्छित रोग, और कै का मतलब कपास का हरिति मागम रोग। धन्यवाद।